हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने सीखा था कि हमें किस तरीके से कलर पेंसिल से शुरुआत करनी चाहिए अपनी किसी भी ड्राइंग की, लाइक आपको मोनोक्रोम टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो आज हम दोस्तों यूज़ करेंगे दो कलर, यानी कि पिछली बार हमने एक कलर के थ्रू जो है अपने कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट किया था। आज हम दोस्तों दो कलरों को यूज़ करेंगे, और दो कलर में आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक कलर अपना लाइट ले लीजिए, दूसरा उसके कंपेरिजन में डार्क ले लीजिए। तो उस बेस पे दोस्तों आज हम जो अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। तो आई होप दोस्तों कलर पेंसिल्स की चीज़ें आपको समझ में जो है आने लगी होंगी। एंड शुरुआती दौर दोस्तों हमेशा देखिए, आप जब भी किसी काम को दोस्तों शुरू करने जाते हैं तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डार्क, मीडियम, लाइट, जैसा कि मैं हमेशा से दोस्तों आपको कहता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है कि अपने कंट्रास्ट को, अपने ग्रे स्केल को बैलेंस करते हुए चलें। अगर आपके कलर टोन में भी, आपकी कलर थीम में भी आप अगर डार्क, मीडियम, लाइट को दोस्तों मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका दोस्तों एक जो है वीक पॉइंट है। या मैं कहूँगा कि आपको इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए कि आप डार्क, मीडियम, लाइट पे जो अच्छे से फोकस जो है कर पाएँ और चीज़ों को पकड़ पाएँ। तो और दोस्तों दो कलर को यूज़ करके हम जो है अपनी अगली कॉम्पोजिशन आज शुरू करते हैं। एंड आई होप दोस्तों आपको ज़रूर इस कॉम्पोजिशन से भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्केच हमने जो है पहले ही जो है ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इरेजर की हेल्प से दोस्तों जो भी हमारे ग्रेफाइट की लाइंस हैं उन सारी लाइनों को दोस्तों आपको हल्का करना है ताकि आपकी कलर पेंसिल अच्छे से चल सके। तो बर्न सियना एंड फ्लैश टिंट, दो कलरों को दोस्तों मैं यहाँ पर जो है दोस्तों आज यूज़ करने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके का रिजल्ट इनका जो है निकल के आएगा। तो शुरू करते हैं बर्न सियना यानी कि डार्क कलर से। तो डार्क कलर से दोस्तों मैं अपने आइज़ वाले पार्ट को जो है यहाँ पर फिनिश करूँगा। बेसिकली कोशिश मेरी ये है कि देखिए बर्न सियना कहीं ना कहीं स्किन कलर में भी आता है और बर्न सियना मोस्टली जो है यूज़ होने वाला कलर है स्किन में। तो मैंने कोशिश की है कि भाई आप लोगों के साथ जो है बर्न सियना कलर को और फ्लैश टिंट को जो है एक साथ यूज़ करके दिखाया जाए कि किस तरीके से उसका रिजल्ट निकलता है। प्लस अब उसमें एक चीज़ और देखेंगे कि थोड़ा सा आर्टिस्टिक अप्रोच करने की मैंने कोशिश की है कि स्केच को अगर आप अधूरे में भी करके छोड़ सकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों हम यहाँ पर जो है स्केच कर रहे हैं तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल शेडिंग ना करते हुए नॉर्मल शेडिंग हम यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों की आँखों में किस तरीके का जो गेटअप है वो यहाँ पर जो है निकल करके आ रहा है। आँखों में दोस्तों हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वाइट लाइट्स जो है ज़रूर छोड़ें, क्योंकि वाइट लाइट के छोड़ने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके पोर्ट्रेट पे, यानी कि आपकी आँखों में चमक ही दोस्तों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जब आप किसी के चेहरे को देखते हैं। तो ये देखिए ब्राउन कलर किस तरीके से जो है यहाँ पर अपना जो एक अपील है वो यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, और सच में दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया जो है फील यहाँ पर दे रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस कलर से जो है आपको जो है पोर्ट्रेट बनाना ज़्यादा अच्छा लगा एंड आप लोगों ने किस कलर को जो है ट्राई किया। तो मेरे लिए भी दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि आप लोग जो है कलरों को देख करके काम करना शुरू करेंगे। और ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप स्किन कलर ही लें, आप जो है पर्पल ले सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, पर अभी मेरे पास जो था दोस्तों वो सियना और टिंट था तो मैंने सोचा इन दोनों को ही यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर देखिए अब इस किस तरीके से हम जो है डार्क, मीडियम, लाइट शेडिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अपने सारे पोर्ट्रेट को इसी तरीके से कंप्लीट करना शुरू करेंगे। आपने देखा भी होगा दोस्तों कि हम किस तरीके से अपने सारे पोर्ट्रेट्स को जो है कंप्लीट करते हैं। शेडिंग का हमें ध्यान रखना है, ग्रे स्केल कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, वाइटनेस को जो है छोड़ते हुए चलना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मैटर करती हैं। तो ये देखिए अब जो है वन साइड हैचिंग जो है आप इसमें कर सकते हैं। बालों का बहुत बड़ा रोल है तो बाल हम जो है इसमें बनाएंगे। ये देखिए स्ट्रोक्स को बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, जो स्ट्रोक्स आपने लगाने सीखे हैं ग्रेफाइट में, चारकोल में, वही चीज़ें दोस्तों यहाँ पर भी जो है काम आने वाली है। लेकिन पेंसिल को बहुत ज़्यादा दोस्तों पॉइंटेड नहीं रखना है क्योंकि कलर पेंसिल टूट जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से दोस्तों हम जो है अपने स्ट्रोक इसमें लगाते रहेंगे और धीरे धीरे अपने सारे बालों वाले एरिए को कम्प्लीट करेंगे।
आप जो है अपना वन साइड हैच कर लीजिए, शेड कर लीजिए, देन उसके बाद अपने ऊपर जो बालों के स्ट्रोक्स हैं उनको लगाना शुरू कर दीजिए। होता क्या कि उससे फ़र्क ही पड़ता है दोस्तों कि देखिए आपका ना एक बेस रेडी हो जाता है। मतलब अगर हम कल को इसको शेड करके ही जो है सिर्फ छोड़ दें तो वो चीज़ जो है एक बालों के एरिए को कवरअप कर लेती है। तो उसी चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम जो है पहले यहाँ पर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है शेड कर रहे हैं एंड शेड के ऊपर जो है अपने बालों की जो डायरेक्शन है उसको लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट आप जो है अपने स्केचिंग स्किल्स में डाल सकते हैं पोर्ट्रेट को बनाने के टाइम पे। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके पोर्ट्रेट में। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है पूरे एरिए में जितने एरिए में मेरे बाल आ रहे हैं तो हेयर वाले एरिए को हम इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लंबी लंबी हैच में कंप्लीट करेंगे तो एक ना फील भी मतलब अलग आएगा, उसमें लुक अलग आएगा। तो देखिए इस तरीके से कर लेने के बाद यहाँ पर हम जो अपने बालों को लगा लेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का गेटअप जो है आपको बालों के यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। तो यानी कि अगर आप अपनी छोटी स्केच बुक में और या फिर अपने रफ शीट्स पर जो है काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है पैटर्न अपने यूज़ कर सकते हैं। तो सीएना से ही दोस्तों ऑलमोस्ट अभी तक हमने जो है सारी शेड लगाई है। अब धीरे धीरे जो है जो हमारे लाइट शेड्स होंगे उनको टिंट से भी जो है दोस्तों करना शुरू करेंगे। तो पहले सीना के शेड दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं फिर टिंट का हम जो है लगाते हैं। लग रहे हैं तो किस तरीके का इम्पैक्ट हमारे जो है पोर्ट्रेट पे पड़ रहा है। अब इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी लाइट शेड्स होंगी, देखिए वाइट चीज़ों को तो हमें वाइट छोड़ते हुए चलना है बट जो चीज़ें हमारी लाइट शेड में होंगी तो उन लाइट शेड्स को आप जो है अपना लाइट शेड के साथ जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें तो हम मीडियम और डार्क शेड को दोस्तों अटैम्प्ट कर रहे हैं सीएना से। तो अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमें जो भी लाइट शेड्स करनी होंगी उसके लिए हम अपना, तो यहाँ पर दोस्तों फ्लैश टिंट कलर मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से फ्लैश टिंट ले लेने के बाद जो भी मेरी अब लाइट शेड्स होंगी, या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपना जो है सीना के साथ अपने फ्लैश टिंट की शेड्स को मिलाते हुए चलें। मिलाने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लाइक अगर मीडियम शेड भी कर रहे हैं बर्न सीना से तो आप उसके अंदर थोड़ा सा एक टचअप अपना लाइट कलर का डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों शीट बिल्कुल वाइट नहीं छूटती है उससे, तो थोड़ा सा एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो ये देखिए
तो मैं दोस्तों इतना ही जो है अधूरा छोड़ दूंगा, और मेरा बस एक मन है कि भाई इस तरीके का फील दिया जाए। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।